अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा एक उस्ताद अंदरून सिंध के एक इलाके का बड़ा अच्छा पढ़ाने वाला, उसके पास एक जादुई ताकत भी थी। वो स्पेशलिटी थी कि वो इनविजिबल हो जाता था, गायब हो जाता था, किसी को नजर नहीं आता था जब वो चाहता था। बाकी सब बच्चे तो उससे किताबें पढ़ते थे, एक डेढ़ होशियार। उसने कहा मैं भी सर आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। वो अपने उस्ताद को बातों में ले आया, हालांकि वो उससे पढ़ना नहीं, वो उससे सिर्फ गायब होना सीखना चाहता था। उस्ताद भी समझदार था, उसने कहा कि चलो 4-5 साल अगर ये मेरी खिदमत करेगा, मेरे साथ प्यार करेगा, अच्छा स्टूडेंट साबित होगा तो मैं इसको सिखा दूंगा। उन्होंने डेढ़ होशियार चोरी चोरी देख रहा है, चेक करना चाह रहा है कि मैं किवें देखो लूँगा ताकत ले लवा। एक दिन क्या हुआ, उस्ताद छुप के अपने कमरे में जा रहा है, ये टैन 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 पीछे पीछे जाते 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 इसने देखा कि उस्ताद ने एक सुरमे की डिबिया निकाली, सुरमा अपनी आंख में लगाया, उस्ताद गायब हो गया। ये भागता हुआ आया, इसने डिबिया को हाथ डालने लगा, उस्ताद ने इसका हाथ पकड़ लिया और उस्ताद दोबारा नजर आने लगा। उस्ताद ने कहा ये ले जा, ये सुरमे की डिबिया तेरा इनाम हुई, लेकिन अगली बात तुझे आइंदा बताऊंगा। अब वो सुरमे की डिबिया लेके गया, उस शागिर्द को कोई बहुत बड़ा गुस्सा था किसी के ऊपर, उसने ये गायब होने का जो तरीका था वो किसी वजह से सीखा था, उसने अपने एक दुश्मन को कत्ल करना था। वो गया जाके उसने उसे कत्ल किया और उसने सोचा कि पुलिस आएगी मैं तो गायब हो जाऊंगा। अब जब पुलिस का छापा पड़ा, शागिर्द ने सुरमे का वो डिबिया निकाली, आंख में लगाई, फिर भी पुलिस वाले ने चंडा पै रही पता पता ठुड्डे ड्रग्स। अब ठुड्डे खाते खाते उसने देखा कि उस्ताद सामने आया और उस्ताद मुस्कुरा रहा था। उस्ताद ने कहा मैं भी उस्ताद हाँ, मैं तेनू बाकी सारा कुछ दस दिता सी, यह नहीं सी दसिया कि जिहड़ा सुरमा है वो पहला खब्बी अख ते लाना है ते अंगूठा दबा के रखना। इसलिए जनाब उस्ताद से आगे भागने की कोशिश मत करें, ये बात कभी मत भूलें। अगर आप 2 दिन में सब सीखना चाहते हैं तो जो आपका उस्ताद है उसने भी जो डिग्री ली उसने भी 5 साल लगाए थे। उस्तादों की खिदमत करें, पढ़ाई पर तवज्जो दें, और इल्म का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ 2 तरीके हैं, तजुर्बा और मेहनत। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। शेर ऑफ कॉमन मेरे इस दोस्त को इज एहतराम और प्यार से यहां से ले जाए। आजा आजा आजा, कोई नया सा इंस्ट्रूमेंट है आज, आज कोई नया सा इंस्ट्रूमेंट है। मजाक आपके साथ में, आइए तेरे बिना रोगी होए।
अच्छा माशाल्लाह किड्डा सोहना हुनर है भाजी को मैं पहले समझा आवाजा पीन लगे ने पैप ला परेशान सा मैं इन बंदे खवातीन क्यों बिठाई सरदार साहब का कसूर नहीं इस उम्र च ना वैसे भी बंदे घट नजर आता है कई बार अपनी वाइफ साड़ी भाभी ने कह रहे होंगे चाचा जी तुम लेकिन जो हुनर है भाजी किसी किसी आता है उस्ताद का कुछ सीखा काम है तो जे उस्ताद ना अगे लंघन लगो थोड़े वाली गल है जिम्मे दरवाजा पाड़ जाता तो बंदा कंजा जहा होके बैठा हों फिर अपने उस्ताद की बड़ी खिदमत की थी। अच्छा। हर मंगल उन्होंने सिरी लिया के खवानी ओदी लत्तां कुटनिया उस्ताद कहिंदा किसे तेन पावे भी लिया कहिंदा उस्ताद जी सुटदा ही कोई नहीं। हमारी आज की मेहमान बात एक्टिंग की हो बात मॉडलिंग की हो बात सिंगिंग की हो बात पेंटिंग की हो अल्ट्रा टैलेंटेड ये वो शख्सियत है हमारी शोबिज इंडस्ट्री की। मुझे ऐसा लगता है कि लोग कुछ कभी ना कभी किसी ना किसी दबाव में आ जाते हैं किसी ना किसी बात के नीचे दब जाते हैं। इनको मैंने कभी किसी गलत बात के सामने दबते या डरते हुए नहीं देखा। क्या बात है ना वो खुद कह रही है क्या बात है क्या बात। इनका नसीब ऐसा है कि लोग अपनी औलाद के लिए नसीब मांगते हैं ना कि अल्लाह करे हमारा बच्चा प्यारा हो खूबसूरत हो। इनके वालदैन की दुआ डबल लगी इन्हें। खूबसूरत तो ये हैं लेकिन पूरा का पूरा पाकिस्तान इन्हें खूबसूरत के नाम से जानता है। जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इमरान आपने इतनी इतनी मेरी अच्छी इंट्रोडक्शन दे दी है कि अब तो मैं इंडेटेड रहूंगी फॉर लाइफ। अब मैं क्या करूँ आपके लिए? मेरे लिए? हाँ मेरे लिए आप मेरे ख्याल जो मुझे आपसे चाहिए वो आप करती हैं। हाँ। आप मेरी वेल विशर हैं। अरे हाँ। मैंने जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा किया आपने अप्रिशिएट किया। हाँ। आप मुझे जब भी मिली आपके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी रही मेरे लिए वो ही बहुत है। मेरे लिए वो बहुत काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया न्यूज की तरफ से हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से हमारे इन खूबसूरत शहरों की तरफ से और पाकिस्तान के तमाम ड्रामा देखने वालों की तरफ से आपका जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तानी फैशन के लिए और आपकी अपनी फैमिली के लिए उन सब की तरफ से वेलकम टू मज़ाकरात। मैंने आज वैसे ही बहुत मेरी दुआ कबूल हुई है।
मेरी दुआ थी कि मैं अपनी बाली उम्र में ही आशा उम्र को देख लूं। आशा जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू, फिर से आपका दीदार हो रहा है मुझे। आपकी नजर एक शेर कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आज मुझ पर भी हजूर अनायत ये हो, इन अल्फाज की खैरात मुझे भी दे दो। मैं इतना फैन हूँ कि ये ख्वाहिश है मेरी आयशा, मुझे भी एक बार शट अप ऑन कह दो। हाँ, गुस्सा तो आने का, इसके प्यार से कह देती हूँ शट अप ऑन। थैंक यू। ए जी उरली बा नवी लवाई चेक करन दे। यार मैंने तो आपका बुलबुले इतना देखा है, इतना देखा है, अब मुझे खुद बुलबुले बनाने आ गए। लेकिन अब आपने एक और चीज देखनी है जाके। फिल्म रिलीज मेरी हो गई है टकसाल। जी तो अब आप कब देखने जा रहे हैं? मैं तो आपकी फिल्म देख के आया हूँ और आपने इतना अच्छा काम किया, फिल्म इतनी अच्छी है, मैं देखने जाऊंगा। ये नहीं जाएंगे, ये तो है ही टकसाली गेट के। असी उते किराएदार मकान इन्हां दा ही नहीं। आयशा जी वेलकम टू मुज़ाकरात। आपके लिए एक शेर। अरे इरशाद। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, चपेड़ा खा के। मेरे अक्सर शेर को ना जानवर पड़ जाते हैं रास्ते में, यानी शेर चीते। जी जी। है शेर पैंदा साइकिल वाले नु। इरशाद। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, समझाऊं, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी। चरागों ने, करजाइयों ने। जिंदगी की हर बुरी आदत छूटी, दिल दीवाना हो गया जब से आपका गाना सुना, टूटी फ्रूटी। अच्छा आयशा, वैसे क्या मतलब है इस गाने के लिरिक्स का? टूटी फ्रूटी इज लाइक वो आइसक्रीम का फ्लेवर होता है ना, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। हाँ, तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। ब्यूटी क्यूटी हूँ मैं, जो भुला दे सारा जहाँ, वो नशीली बूटी हूँ। टूटी फ्रूटी, टूटी। आयशा जी, जहाँ बात करिज, हौसले, बहादुरी और परवरिश की हो, मैं आपकी माँ को सलूट करना चाहूंगा। मैं भी। क्या बात, सब सब सिंगल हैंडेडली जिस तरह से उन्होंने आपकी परवरिश की। मुश्किल था, आसान था, क्या वो वक्त याद आता है? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। यार मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 1.5 साल की थी। आई थिंक माई अर्लीस्ट मेमोरी, आप कहेंगे 3.5 साल की होगी मेरी अर्लीस्ट मेमोरी। बहुत मुश्किल था, और अम्मी को अकेले कराची छोड़ के लाहौर आना था, हम लाहौर शिफ्ट हो गए, वेरियस रीजंस थे, और फिर यहाँ पे एक नई ज़िंदगी शुरू करनी। और फिर उन्होंने टीचिंग शुरू की, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन रखना था जिसके टाइमिंग्स हमारे स्कूल के टाइमिंग्स के साथ मैच करें। तो टीचिंग शुरू की, फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन्स भी देती थी, घर भी चलाना, और बिल्कुल हम हैंड टू माउथ थे शुरू के, आप कह लें 10-12 साल। तो लिटरली बहुत टफ टाइम्स थे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात, फिर मतलब के निकल आए उनसे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। भूख को देखा कभी करीब से? भूख एज इन हाँ, एक टाइम था। क्या था? बहुत छोटी थी मैं, लेकिन ऐसे नहीं था कि कभी स्टार्विंग स्टेट नहीं थी, लेकिन बेसिक एक खौफ था कि पता नहीं। हाँ, वो वाला खौफ ये था कि अगले महीना का रेंट कहाँ से आएगा, या अगले वक्त का खाना के लिए। हाँ, शायद अगले महीने का खाना और अगले महीने का रेंट और आगे की यूनिफॉर्म और बुक्स, हर चीज का। अगर दाल रोटी खा के इतनी बड़ी अदाकार आयशा उमर बन सकती है, और तुसी करेले गोश्त खा के भी खोते दे खोते ही रहे। चलिए
मजा आएगा। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद हैं द गॉर्जियस टैलेंटेड आयशा उमर और देखते रहिए आपके दिलों में रहने वाला शो ये मज़ाकरात। यही चाहता था मैं कि ब्रेक के बाद आप सब लोग वापस आए और देखिए आप लोग आ गए, देखते रहिए मज़ाकरात। इमरान भाई जज्बाती हूं, किस दिन स्क्रीन से ना बाहर निकल जाना। मैं सोची थी कि मैं कितनी दफा मज़ाकरात पे आ चुकी हूँ, आप बताएं। तुझे चेक गिन लेना ना। Can I say that Imran, you are such a fantastic. थैंक यू। और मैं अब इस शो में कहना चाहती हूँ, वो जो आपका जेस्चर था, आपको पता है आपका क्या जेस्चर था? एक जब वो बच्ची आके साथ आपके साथ आके बैठी थी जी, और आपने उसकी अम्मी से पूछा था मैं हाथ लगा सकता हूँ, ये बात ये। मतलब मुझे लगता है मुआशरे को अगर एजुकेट करना है तो इस तरह सिंपल जेस्चर से ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बस सिंगिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, प्रोडक्शन। आयशा उमर अपनी जिंदगी में खुद क्या चाहती थी कि उसका हॉल ऑफ फेम क्या हो? पेंटिंग, पेंटिंग। आपने जो पहली पेंटिंग बनाई थी और फिर आपने कहा मुझे समझ नहीं आया मैं की बना बैठी हूं, वो ऐसे ऐसे नहीं हुआ। फिर तुसी एक दूजी पेंटिंग बनाई वो ऐसे फिर एक तुसी तीजी पेंटिंग बनाई हो शानदार तुसी फिर चौथी पेंटिंग बनाई वो फायर ब्रिगेड की बाल्टी जी बन के वो बैठी कॉलेज में बैंड भी था आपका? मैं कॉलेज बैंड का हिस्सा थी। बिल्कुल। क्या नाम था उसका? नहीं कोई नाम नहीं होता था, द एनसीए बैंड। तो फिर कुछ दो लाइनें सुना देना अब अगर सुड़का नहीं मारिया मेरे को चाह पी रहे लगता बिल्लियां लड़ रही आप शेर सुनाना चाहिए शेर सुना प्लीज 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 हर कोई यार नहीं होंदा बुलिया हर कोई यार नहीं होंदा बुलिया कदी कलियां बह के सोचते सही। ध्यान मत दिया करें मैडम माशाल्लाह बहुत प्यारे खूबसूरत, मेरा भी निकनेम खूबसूरत ही है। अच्छा बिलीव मी बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। आखिर मेरे लगते हो तुम कौन? बेबी जस्ट कम ऑन। बेबी जस्ट कम ऑन मैं मेरा सॉन्ग था मैडम। गाने बड़ा मशहूर गाना है इनका। मैंने कुछ लिखा है मैडम, मैंने कुछ लिखा है। प्लीज प्लीज इरशाद। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे, इधर देखिए मेरी तरफ। बहुत अच्छे बहुत प्यारे हो अच्छा। ये आपका आउटफिट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैडम, आपका भी बहुत अच्छा लिबास है। थैंक यू जी। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है। ओ ये मेरे अपने क्लोथिंग ब्रांड से है। अच्छा आप बनाया तुसी? हां मैं समझे बावा वटिया ने शोले फिल्म ते ठाकर कोलो लिया। मत ध्यान दिया करें, ध्यान ध्यान वो कहंदे नहीं ध्यान कर ध्यान, मत ध्यान दिया करें लोगों की बातों पर, मत ध्यान दिया करें। जिन्होंने मंजिलों पर पहुंचना होता है वो छोटी छोटी बातों पे वक्त जाया नहीं करते। वाह दैट्स ऑल मैडम एब्सोल्युटली थैंक यू।
काश आपने मुझे ये 20 साल पहले सुनाया होता तो फिर क्या हो जाना था तो फिर मैं ना ध्यान दे तुम्हें शो के मंजिल पे चलना पड़ेगा तुम्हें शो के मंजिल पे चलना पड़ेगा गिरे हो तो गिर के संभलना पड़ेगा है बातों को दिल से लगाने की आदत तो आदत को अपनी बदलना पड़ेगा मत ध्यान दो जहां कोई बोला ढोला वे गल सुन ढोला ढोला वे गल सुन ढोला ढोला आपने एक्चुअली खुद लिखा है सब जी 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 मैडम मैं खुद मैं लिखता हूं स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा नहीं नहीं मैं लिखता हूं मैडम हां मैं लिखता हूं बहुत अच्छा है मैंने तो आपका नाम भी अपने दिल पे लिखा है मैडम ये खूबसूरत शेर है मंजिल के इस असूल को रुसवा नहीं किया हाय 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 इन्नू सो पकड़ा लो पाजी मेरे कन्ना जवाज दा कसम है मैं बतख गाना खान दी टक 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 मंजिल के इस असूल को रुसवा नहीं किया नहीं किया रस्ते से लौटने का इरादा नहीं किया तू ही बता मैं कैसे करूं मुतमईन तुझे ऐसा नहीं किया कभी वैसा नहीं किया किसी की बात से दब दिल किसी की बात से जब दिल बेचैन हो गया मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया वेरी नाइस आपको देख के शायर होया पहले हाथी हुंदा सी तां सुंड चोरी हो गया गली च सुत्ता सी किसी ने वड के परनाला ला लिया हुण जदों कोलो लंघदे ना उहनूं सलाम कर दी मैडम मुझे पता चला कि आप पेंटर भी हैं मैडम मैं अपनी गैलरी पेंट करानी सारी अच्छा काले रंग बुरश पियोगे इंज करके मारना ठात बन गया नहीं एक प्लांट लग रहा है मैं एक पौधा बनाऊंगी पौधा और ऊपर खूबसूरत गुलाब बनाइएगा अपनी शक्ल में नहीं नहीं आप होंगे तो फिर दो बना लेना एक तुसी ते एक मैं दोवी अब ये कंडे भी तीन ला लेना मैडम ये खूबसूरत शेर आखिरी शेर आपके लिए है जब तसव्वुर में तेरा हुस्न नजर आता है क्या बात जब तसव्वुर में तेरा हुस्न नजर आता है मैडम मेरी तरफ देखिए तो नाना आखिर मैं भी इंसान हूं मर जाऊं क्या आए हां तो संवर में शुक्रिया यार तेरी मेहरबानी तू कह रहा मेरी तरफ ना देखे तो फिर रुख इधर हो गया तसव्वुर में तेरा हुस्न नजर आता है दिल को एक जज्बा बेनाम सा तड़पाता है एक खामोश उदासी का आलम है तारी कौन ख्वाबों में दबे पांव चला आता है दर हकीकत अंदर से टूटी हुई हूं मैं बड़ी क्यूटी क्यूटी हूं मैं बड़ी क्यूटी क्यूटी हूं मैं बड़ी क्यूटी क्यूटी हूं मैं बड़ी अगर अपनी जिंदगी पर मबनी कभी कोई फिल्म बनाई क्योंकि अब तो आप प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं तो हीरो किसको लेंगी तो अपने आप को प्ले करने के लिए किसको लूंगी हाँ नहीं तो देखिए आपके इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कभी कोई मर्द हीरो नहीं रहा ऑफ कोर्स रहे रहे हैं तो उस फिल्म में कितने हीरो होंगे पता नहीं अभी थोड़ा और टाइम गुजरने दें शायद कोई और आ जाए अभी क्योंकि एक बहुत और बहुत बड़ी चीज होने वाली है मेरी जिंदगी में अगले महीने नहीं मेरी शादी नहीं हो रही फिक्र ना करें वो भी होगी लेकिन एक और आपको पता चल जाएगा धोखे को कितने करीब से देखा है आपने रोमांटिकली तो नहीं धोखा नहीं वैसे जिंदगी में तो बहुत धक्के और धोखे देखे हैं अच्छा हाँ बहुत बहुत स्पेशली इस फील्ड में बहुत
या मैंने रिसेंटली एक फिल्म की थी एंड आई वॉज दी ओनली एक्टर जिसकी पेमेंट नहीं हुई थी. बाकी सब ने कहा नहीं पहले हम पैसे लेंगे फिर हम प्रमोशंस करेंगे. हो गई मैंने आउट अपनी उसमें शराफत में मैंने कहा अच्छा भाई नहीं है आपके पास अभी पैसे, फिल्म रिलीज होगी आ जाएंगे मैं तब ले लूँगी. जबकि कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा था पहले, वो आज तक पैसे नहीं मिले, 2 साल हो गए. मैंने बहुत लोगों पर ट्रस्ट किया है, 3-4 अवार्ड शोज मैंने होस्ट किए हैं आउट ऑफ द कंट्री, उनकी कभी पेमेंट्स आज तक ना मिली. तो मैंने धोखे खाए हैं उस तरह. हाँ देखो इन्हें धोखे खाने बाद ही फ्रेश ने धोखे धोखे खा के फ्रेश ने इतने लोग खोते खा के फ्रेश बैठे. ये कह रहा हूं कि जो अगली फिल्म आप बनाने जा रही हैं तुसी ओ हीरो पाओ जिहड़ा चुप करके पिया रहे. यानी हीरो दा लास्ट दा रोल होवे. नहीं नहीं मतलब जे बाद हीरो चंगा हुंदा तंग नहीं करदा भी टाइम ते जिहड़ा होगा चल भाई हीरो उठ चलिए. आशा जी क्या एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? जब जिसको होती है वो फिर बहुत मुश्किल होती है. एक तरफा करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए. नहीं. क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों? मोहब्बत ही क्या हुई जो एक तरफा हुई? मोहब्बत तो होती है मतलब कि इट्स अ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल. तो अगले ने 10 के मार खा लिए हूं. मोहब्बत मोहब्बत वो जो एक तरफा होती है ना वो होता है ऑब्सेशन. अच्छा हाँ मोहब्बत लव इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल आई फील. हाँ क्या बात? लेकिन हाँ लव हो भी सकता है आपको किसी लेकिन से जैसे कि आप खूबसूरत हैं और खूबसूरत के नाम से मशहूर हैं हजारों लाखों लोगों को आपसे एक तरफा मोहब्बत होती होगी. होती है हाँ, वो वाली मोहब्बत बिल्कुल बिल्कुल. कैसे कैसे मुझे भी हुई है. वही तो पूछ रहा है आखिरी कब हुई थी? बहुत पहले. तकलीफ दे तो नहीं थी? थी बहुत. वाह तो एक्सप्रेस नहीं किया? नहीं बाद में एक्सप्रेस भी कर दिया था लेकिन वो नहीं हो सकी फिर तो. फिर अच्छा मैं टाकी मारन लगे ना. अच्छा ये आपकी मोहब्बत में नहीं इस तरह कर रहे हैं? ज्यादातर बैठ नहीं सकते इनको बैक बोन का बॉस. मेरा बस चले मैं भी ऐसे बैठ जाऊं लेकिन मैं अच्छी नहीं लगूंगी. ट्राई तो करें दोनों जरा आमने सामने. एक ट्राई तो हो जाए एक जरा कोशिश तो करें. आए तो सही जरा दोनों आमने सामने ताली बजानी आमने सामने आमने सामने जरा दोनों ताली बजानी दोनों ताली बजानी. आयशा हाँ जिंदगी में यही दिन देखना चाहता था है ना कि मैं और आप ऐसे बैठे हो है ना और लोग हमें तरसी हुई निगाहों से देख. आप आंखों की फीलिंग नहीं समझनी. समझती मेरे आंखों के फुटवर्क को फॉलो करें. अस्सलाम वालेकुम भाभी. ऐशो जो सरदार साहब ने हाथ चुकी. मैंने क्या कहना क्योंकि इनके रंग ही इतने हैं. देखिए फनकार ऐसा होना चाहिए कि जो गा भी ले पेंटिंग भी बना ले फिल्म भी बना ले. थैंक यू. और बंदे नूं पागल दा पुत्र भी बना ले. ये स्किल भी है वैसे. ऐसे वैसे लगता है ऐसे गाना बनना चाहिए. केड़ा? बाबुल की दुआ. नहीं भाई जी गाना बदलो ऐ बनाओ कंदा डोली नू दे जाई वीर वे कंदा डोली नू दे जाई. आपके तो हम उठ ना पाए ऐसे तो हालात देखे.
आयशा आपके बहुत डाई हार्ट फैंस हैं, आज तो हमने देख भी ली है और बहुत सारे लोगों को आप पे क्रश भी है, कभी आपको क्रश हुआ है किसी पे? बहुत। सरदार साहब पे हुआ? नहीं, मैंने तो दशक को यार ना करें उनको ग्रश पड़ जाएगा, हल्का जा कर दो। चले यार कोई नहीं, दिल हल्का जा कर दी तो नहीं हुआ। इन पे क्या हुआ? इंडस्ट्री में तो किसी पे क्रश नहीं हुआ मुझे कभी। हेलो, तो जी ताड़ी वाले तो सारे ही गए। नॉट इन एक्टर्स, कभी भी नहीं। वो सारे आउट ऑफ द इंडस्ट्री, मेरी वैसे जिंदगी में लोग बड़े मिले। चलो जैसे क्रश दे ही राशि मारे। चलो यार बुलाओ, बुलाओ यार, आ जा तू भी कर ले सामने। कौन? लेडीज एंड जेंटलमैन, द अल्ट्रा टैलेंटेड एंड गॉर्जियस आयशा उमर इज हियर। The spot, mic, and stage is all yours. क्या करना है? गाना सुनाने लगी थी, हमने सुना है गाना, 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 गाना सुना। बोल के लब आजाद है तेरे। बोल ज़बान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा। बोल के जहाँ अब तक तेरी है, बोल बोल के लब आजाद तेरे। आप कहीं मच जाएगा, हम तो कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि आप देख रहे हैं क्या मजाकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? रुबीना। क्या करती हैं? टीचिंग। क्या कहना चाहती हैं? मैं आयशा के लिए एक शेर कहना चाहूंगी। हाय। आप ही के बिना हूँ क्यों बेचैन, आप ही के बिना हूँ क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत हैं, वहम इतना हसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हैं। मुझे तो आप खूबसूरत लग रही हैं, मैं बड़ी देर से आपका मेकअप एडमायर कर रही हूँ। क्या बात है, आप क्या मेकअप आपने खुद किया? नो नो, अच्छा फ्रेंड ने किया है। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ये आपकी नजरें खराब है कि मैं ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब अपने फैंस को आप देखती हैं तो वो वैसे ही चमक जाते हैं जैसे आप चमक रही हैं। क्या बात, ये आपके साथ एक बच्ची बैठी है, क्या मेहनत करके बाल बना के, ये जरा दिखाना, जरा दिखाना, जरा ओए ओए, माइक दे ने, माइक दे। क्या नाम है? मलिहा। जिंदगी में क्या शौक है? बस बाल बनाने का। सिंगिंग का शौक है। हाँ, कुछ गा के सुनाओ ना। मैं सुनाओ, सुनाओ। इधर आओ ना, मेरे साथ बैठो, आ जाओ। और ये जिन्होंने हाथ में फूल पकड़े इनको भी भेजे, आ जाए, आ जाए। ये फूल किसके लिए हैं? आपके लिए। कितनी तुम प्यारी हो। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। सुनाओ 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 सुनाओ। हाँ, उसे सो दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका, जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिश चुन ना सका, उसे सो दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की
सुनना सका। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। मेरी बेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये फूल मैं ऐसे इसको अपने दिल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बिग फैन ऑफ योर सर। आयशा मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम निदा हाशमी। मैम आप कितनी प्यारी हैं। माशाल्लाह आपके लिए स्पेशली ये दो लाइंस। मुझे कहाँ फुर्सत है कि मैं देखूँ ये सुहाना मौसम। मुझे कहाँ फुर्सत है कि मैं देखूँ ये मौसम सुहाना। आपसे मेरी नजर हटे तो देखूँ मैं ये जमाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मिनाहिल। मैंने आपके लिए शेर कहना था। मिनाहिल कहिए। वो जज्बों की तिजारत थी ये दिल कुछ और समझ बैठा। वो जज्बों की तिजारत थी ये दिल कुछ और समझ बैठा। उसे हंसने की आदत थी ये दिल कुछ और समझ बैठा। उसने मुझे कहा कि आओ एक नई दुनिया बसाते हैं। उसने मुझे कहा कि आओ एक नई दुनिया बसाते हैं। उसे सूझी एक शरारत थी ये दिल कुछ और समझ बैठा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने जब एक्टिंग स्टार्ट की तब आपकी एज क्या थी? 7 साल। मुश्किल नहीं आई आपको एक्टिंग करते हुए? नहीं, 7 साल चुका दी मुश्किल। बाकी 7 साल की उम्र में क्या मुश्किल था पता ही नहीं। प्ले किया था आपने? मैं नुमान एजाज साहब और आरिफा सिद्दीकी जी का बेटा बना था। अरे, और ये PTV के लिए ड्रामा था, उसका नाम था बेबरकत। सईद अहमद साहब ने लिखा था, दिलावर मलिक साहब ने डायरेक्ट किया था, और वो एक लॉन्ग प्ले था जो एक दफ़ा चलना था, लेकिन वो PTV पे 23 दफ़ा चला। ओए होए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? रुबाब। रुबाब क्या कहना है? मैंने आपको शेर सुनाना है। सुनाए। और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे बाबा मुल्तान थे लेकिन मुझे यहाँ पे आने की परमिशन नहीं मिल रही थी। लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से मतलब कि लड़ झगड़ के ले ली कि मैंने इमरान अशरफ साहब से मिलने जाना है जरूर। इजाजत लेके आई हो ना? बिल्कुल। चलो फिर ठीक है। आपके लिए एक शेर है। तुम पसंद आए ये इत्तफाक ना था, तुम ही पसंद रह गए वो इश्क था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई आवाज से तो कोई गुलूकार लग रहे हो। जी मैं शायर हूँ पंजाबी, और मुज़ाकरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुकम्मल टीम, हमारे जैसे नए चेहरों को एक मौका मिला। क्या बात है। नाम क्या है आपका? राशिद लकी। सुनाओ। भुल दिया नहीं यारो निकिया शरारतां, खेड दे सा जिथे उथे बन गईया मारतां। भुल दिया नहीं यारो निकिया शरारतां, हाकी गेंद खेली दा सी यारो बूट कस के, मारी दा सी शाट गोल कीपर उनू दस के। पसंद नहीं ओ रब नू साडियां हमाकतां, रब कोलो मंगो माफी करके इबादतां। खेलां विचों खेल बोती क्रिकट सजदी, लक्की जदों मारे छक्का गेंद भी ना लभदी। वाह। जित जांदे जिन्हां दियां रब्बी ने सिफारशां, भुलदियां नहीं यारो निक्कियां शरारतां। एक लाइन बुजुर्गों के लिए। चढ़ते सियाल जो लगता सी वेलना, गुड़ वट्टे लैके असा घुग्गू घोड़े खेलना। सुख विच ओ जिन्ना कीतियां हफाजत, भुल दियां नहीं यारो निक्कियां शरारत। मेरी आपके लिए दिल की गहराइयों से ये दुआ है कि खुदा करे आपकी आंख में कभी कोई आंसू ना आए।